लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश के हालात के बारे में हर एक जानकारी से आपको अवगत करा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर। बड़ी खबर यह है शेख हसीना के भारत आने से पहले भारत में बड़ी बैठक दोपहर 12 बजे बुलाई गई थी, जिसमें एनएसए, विदेश मंत्री, आर्मी चीफ ने मिलकर बड़ी बैठक की थी। वायुसेना और रॉ के प्रमुख भी इसमें शामिल थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ही शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने का घटनाक्रम कैसे पूरा हुआ, शेख हसीना के बांग्लादेश से भारत पहुंचने के इस मिशन में विदेश मंत्रालय, एनएसए अजीत डोभाल, सेना, वायुसेना, सुरक्षा एजेंसियों ने कैसे भूमिका निभाई, इस पर दिल्ली से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना के एग्जिट प्लान की पूरी इनसाइड स्टोरी वो आपको बता रहे हैं। शेख हसीना के त्यागपत्र के बाद यहाँ मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में सुरक्षा से जुड़े तमाम जो बड़े लोग हैं, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात की जाए, एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख और तमाम एजेंसियों के प्रमुखों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें शेख हसीना का जो अनुरोध था भारत आने का, उसको उसके बाद तमाम सेना से समेत तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई। शेख हसीना जब बांग्लादेशी वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलस विमान से रवाना हुई और वहां से रवाना होने के बाद जैसे ही वो भारतीय हवाई सीमा में उनका प्रवेश हुआ, ईस्टर्न कमांड भारतीय वायुसेना की सक्रिय हो गई, उनके जो लड़ाकू विमान हैं वो एयरबॉर्न हुए और इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया गया रडार के जरिए। और करीब 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद जब वो यहाँ हिंडन एयरबेस पर उतरी, तो इस तरह से ये ऑपरेशन का एक हिस्सा पूरा हुआ। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चाहे बात सेना की जाए, भारतीय वायुसेना की जाए, बीएसएफ की जाए, सरहद पर खुद बीएसएफ डीजी इस कमांड में मौजूद थे, इस तरह से इस पूरे और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। हालांकि अभी ये ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हिंडन से दिल्ली से शेख हसीना के लंदन जाने की बात है। जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाती, तब तक भारत के लिए जो ऑपरेशन है, जो ये चुनौती है, वो जो काम है वो पूरा नहीं हो जाता। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता आपको डिटेल में जानकारी दे रहे थे कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि वहां पर हालात बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, शेख हसीना इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद वो भारत आएंगे, उसके पहले ही एक बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में बुलाई गई थी। कई ऐसे सवाल हैं बांग्लादेश को लेकर मौजूदा वक्त में कायम है और हिन्दुस्तान की चुनौतियां इसी के साथ कितनी ज्यादा अब बढ़ रही है, क्योंकि कट्टरपंथियों का अगर कब्जा बांग्लादेश पर होगा तो उसके साथ कैसे तालमेल बिठाकर आगे बढ़ेगी भारत सरकार। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा हम करने वाले हैं खास मेहमानों की मौजूदगी। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी जुड़ चुके हैं। 1971 में बांग्लादेश जब अलग मुल्क के तौर पर अस्तित्व में आया था, आपका भी एक बड़ा रोल रहा था, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे बीके खन्ना जी आपके पास आते हुए, 1971 को आपने अपनी आंखों से देखा, उन तमाम स्थितियों को झेला, बहुत सारी कहानियां जो आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। इसी के अलावा मौजूदा ये जो बांग्लादेश का स्वरूप आज देख रहे हैं, इसने कितनी चिंताएं बढ़ा दी हैं, किस ओर जाता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है। 1971 वॉर के अंदर हम एक उस टाइम के अंदर कैप्टन ही थे और हमने जो है वो लड़ाई लड़ी थी शमशेरनगर सिलेट साइड के अंदर से पूरा। उसके बाद में जो है अगरतला से ढाका में गए थे और उस टाइम के अंदर मेरे को याद है जब लड़ाई खत्म हुई थी तो वहां पर कि जो पब्लिक है कितनी तरीका जो है इंडियन आर्मी के उन्होंने रिसेप्शन किया था बहुत ही अच्छे तरीके से और वो अभी तक भी हमारे पास में याद है। उसके बाद के अंदर जो है 2019 के अंदर दोबारा से हमें जाने का मौका मिला जब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इतने भी जो है फ्रीडम फाइटर वो हमें फ्रीडम फाइटर कहते हैं फ्रीडम फाइटर जो थे वो हमें बुलाया था उन्होंने और वहाँ पर जो है चाहे प्रेजिडेंट थे प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी थे और साथ में आर्मी नेवी एयरफोर्स और उनके जो एक मिनिस्ट्री सेपरेटली है और लिबरेशन पाकिस्तान सभी के साथ में उन्होंने हमारा बहुत अच्छा अच्छा स्वागत किया। एक ये मैं क्यों ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर आर्मी इंडियन आर्मी के जो काम किया है उसको जो है गवर्नमेंट वहाँ की है उनके जो पब्लिक है वो काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। पर इसके साथ के अंदर मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि उस टाइम के अंदर हमारे साथ में थे कर्नल जिया। कर्नल जिया जो है बाद के अंदर जाके वो जनरल जिया बने और जनरल ने कोई दस्ता फर्ज किया था जो 1975 के अंदर है वो हमारे साथ उस टाइम के अंदर एक बंगला जो है बांग्लादेश राइफल्स की एक बटालियन के साथ में लेके हमारे साथ
और उसी टाइम के अंदर अगर उनका जो भी हमने बिहेवियर देखा था तो हमने रिपोर्ट जो किया था कि ये वाला जो है ये बांग्लादेश का ऐसा कुछ जो है एम्बिशन बहुत ज्यादा है, लगता नहीं है कि मतलब ये जो है इसमें कर्ण ब्रिगेड के साथ रुक जाएगा। जी और वो भी किया तो उसके के अंदर उसने जाकर जो है ना केवल जनरल बना, बल्कि उसने बाद में जो है काफी उसका हिस्सा था। और जो उसकी जो वाइफ है वो ये अभी जो बीएनपी की मतलब जो है हेड है वहां पर के लिए। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम से लेकर अभी 1975 से 71 से लेकर अभी तक 29 कम से कम आर्मी को हो चुके हैं वहां पर, आर्मी के हैं बांग्लादेश राइफल्स वगैरह के नेक जी नेक। तो ये काफी उत्तर पूर्व वहां पर रही है, वहां पर ये नहीं कि पहली बार हुआ है। अभी जो है ये कहा नहीं जाता था ये एक किस्म से आर्मी का कू है, ये एक किस्म से कह सकूंगा कि ये जो है रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन उन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने जो है होचम के नाम तो मुक्ति वाहिनी कहते थे, बाद में आजकल उनको मुक्ति योद्धा कहा जाता है, जी तो मुक्ति योद्धा को उन्होंने 30% के लिए रिजर्वेशन वगैरह दिया था, हाँ, वो जैसे हमारे लगातार में हम क्या है। ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई। लेकिन जमाते इस्लामी ने जिस तरह से अपने पैर पसारे, शेख हसीना ने उस पर बैन लगाया, उसके बाद वहां पर स्थितियां और ज्यादा प्रदर्शनकारियों की सड़कों पर किस तरह से बदलती हुई चली गई और ये जो आंदोलन था वो और ज्यादा उग्र हो गया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कट्टरपंथी ताकतें अगर वहां पर बढ़ती हैं बांग्लादेश में, तो फिर हिंदुस्तान के लिए इसमें क्या सबक है, किस तरह की चुनौतियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले बांग्लादेश में इसके पहले भी 8 बार तख्ता पलट हो चुका है और आरक्षण की लड़ाई के बारे में आपको दिखा रहे हैं किसको कितना। सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण की व्यवस्था थी, आपको बताते चले स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार 30% तक उन्हें दिया जाता था, पिछड़े जिलों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था, क्योंकि आरक्षण की ही ये लड़ाई रही जो यहां तक आई, जिसके बाद एक प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा और दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण की व्यवस्था थी, महिलाओं को यहां पर 10% आरक्षण मिला हुआ था, दिव्यांगों को 1% आरक्षण की यहां पर व्यवस्था थी। लेकिन आरक्षण के खिलाफ 1971 में बांग्लादेश जब आजाद हुआ था 80% आरक्षण की उस समय व्यवस्था थी, बाद में फिर इसमें तब्दीली की गई, 1971 की परिस्थितियां अलग थी, 2012 में बदलाव हुआ, 56% आरक्षण की यहां पर व्यवस्था कर दी, क्योंकि 71 की परिस्थिति में बाद की परिस्थिति में फर्क था। 2018 में जब 4 महीने तक लगातार प्रदर्शन हुआ तो फिर कोटे को वहां पर खत्म कर दिया गया, हाईकोर्ट के आदेश से फिर आरक्षण वहां पर दे दिया गया और उसके बाद आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आरक्षण वाला फैसला पलट दिया, जिसके बाद आरक्षण 56% से 7% कर दिया गया, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5% आरक्षण की व्यवस्था वहां पर की गई। आरक्षण के खिलाफ जिन लोगों ने वहां पर लगातार प्रदर्शन किया उनकी ओर से यह बगावत वहां पर अख्तियार की गई, जिसके बाद इस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं। बांग्लादेश में बगावत पर भारत में भी सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बांग्लादेश में मचे राजनीतिक बवाल के बीच इशारों में मोदी सरकार पर तंज कसा। संजय सिंह ने कहा कि वहां भी विपक्ष को दबाया जा रहा था और तानाशाही किसी देश में भी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। देखिए ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहाँ भी इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। जो मुद्दा है वो इस वक्त आरक्षण के मुद्दे को एक हवा दी गई वहाँ और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहाँ आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज़्यादा लंबे चलते नहीं। नहीं, निश्चित रूप से अलर्ट रहना भी चाहिए क्योंकि जो परिस्थितियां बांग्लादेश में है उसका असर निश्चित रूप से भारत की सीमाओं पर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद को आप सुन रहे थे, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, यकीनन सोच समझकर मौजूदा वक्त में सभी को अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों के जिस तरह के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं यकीनन वो हिंदुस्तान के लिए अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आने वाले हैं। बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारे हालात की जानकारी दी है। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार फैसला करेगी, साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर भड़काऊ भाषण किसी से भी सबसे कहा है कि कोई भी इस मुद्दे पर भड़काऊ भाषण नहीं दे। सुनिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने बोल रहे हम लोग
ममता बनर्जी की कई बातें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि केंद्र सरकार को फैसला लेना है बांग्लादेश के मद्देनजर। ऐसे में अगर भड़काऊ बयान किसी की ओर से भी आया तो यकीनन वो हिंदुस्तान के भीतर हमारी चुनौतियां बढ़ाएगा और यहां पर भी जो कुछ इस तरह की ताकतें सक्रिय रहती हैं उनको और ज्यादा उठने का बल मिलेगा। कुल मिलाकर तोल मोल कर बोलना सीखना होगा मौजूदा वक्त में तमाम राजनेताओं को। संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, राजनीति इस पूरे मामले में सियासतदानों की ओर से की जाती है लेकिन चुनौतियां यहां से हिंदुस्तान के मद्देनजर आप क्या देख रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति हम दिखा रहे हैं, इस व्यक्ति की वजह से जिनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, 2021 में ही 100 साल इनकी जन्म जयंती पर मनाया गया है बांग्लादेश में, कई अलग अलग बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, उनकी मूर्ति पर उपद्रवी या प्रदर्शनकारी कह सकते हैं इस तरह से चढ़े और वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, लेकिन हिंदुस्तान के मद्देनजर किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं और ये जो सियासत पक्ष और विपक्ष में जारी है उनके लिए भी क्या कुछ खास संदेश आपका? संजय जी, ये राजनीतिक बयान जो भारत में भी दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि रिस्टली सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश में किस तरीके की सरकार और किस तरीके का व्यक्ति वहां पे जरूरी है। देखिए, बांग्लादेश में जो हालात 2001 से 6 के बीच में जो हुए थे, वहां पे आतंकवाद और आप कट्टरपंथ जो पनपा था वो भारत की जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके लिए एक सुरक्षा का खतरा बन गया था। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स थे उनको जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरा था। तो हमारे लिए बेस्ट था कि वहां पे एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्स वहां पे रहे जो सेंटर टू लेफ्ट हो, उसमें शेख हसीना बिल्कुल फिट थी और भारत ने एक बहुत मजबूती के साथ में उनके साथ संबंध डेवलप किए, उन्होंने हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थी उनको बखूबी एड्रेस किया, जो काउंटर टेररिज्म, डिफाइंग फंडामेंटलिज्म, कर्बिंग इंसर्जेंस, ये तीन कंसर्न थे, तीनों को बहुत स्ट्रांगली शेख हसीना ने हमारे को समर्थ दिया। आज जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है एक पीसफुल जोन के रूप में बन गया था और इसीलिए हर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो नेशनल इंटरेस्ट में तो ये था कि शेख हसीना जो डेवलपमेंटल बोर्ड और जो डेवलपमेंटल ड्राइव में हमारे साथ साझेदार बनी है वो बनी रहे और वहां पे सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक फोर्सेस बने रहे। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना कि अभी शेख हसीना को देश छोड़ देने से वो कमजोर नहीं हुई है, आज भी जो अवामी लीग है एक बहुत बड़ा काडर है और बंगबंधु के जो समर्थक हैं फॉलोअर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि बंगबंधु ने उस देश को आजादी दिलाई। वो अलग बात है कि लोग अनग्रेटफुल है कि 1975 में उनकी हत्या कर दी गई थी, वो किसी के भी नहीं है। 1975 में हत्या के बाद में जो जियाउर रहमान आए उनकी भी 1980 में हत्या कर दी गई, तो ये अनग्रेटफुलनेस बांग्लादेश के कुछ लोगों में है। लेकिन ये बात मान के चली कि जो डीप रूटेड उनकी जो आइडियोलॉजी है जिसमें सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, बंगाली नेशनलिज्म है और डेमोक्रेसी, वो डीप रूटेड है और उसी के दम पे 2008 में शेख हसीना सत्ता में आई थी। अब हालात बदल गए, वो परिस्थितियां यकीनन ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, हालात बदल गए हैं बांग्लादेश में, जिसकी भी सरकार रहे वहां के आवाम के मद्देनजर वो शांति लेकर आए। कम से कम एक हिंदुस्तानी के तौर पर, पड़ोसी मुल्क के तौर पर हम यही कामना करते हैं कि वहां पर शांति हो, स्थिरता हो, मजबूत सरकार रहे जो जनता के हितों के लिए फैसले। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन 2008 का आपने जिक्र किया और यहां पर फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह कर दिया था और इस दौरान बड़ी संख्या में बड़े सैन्य अधिकारी, उनके परिवार वालों की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई थी। बांग्लादेश के इतिहास में सैन्य अधिकारियों के सबसे बुरे नरसंहार में यह साबित हुआ था। हसीना तब 2 महीने पहले ही देश की प्रधानमंत्री बनी थी जिसका जिक्र सर कर रहे थे और रक्षा विभाग भी उन्होंने अपने हाथों में ही रखा था। उन्हें खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने भारत को याद किया था, उनकी कुर्सी बची थी और 2009 से ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो बनी रही। प्रणब मुखर्जी ने शेख हसीना के लिए तैयार कर रखा था विमान, 2009 के विद्रोह में भारत ने बचाई थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की कुर्सी, लेकिन इस बार के हालात बदल गए थे, कुर्सी जा चुकी थी। अब शेख हसीना कहां जाएंगी, ये बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है।